प्रधान डाकघर मधुबनी में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है सो 133वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। महेश कुमार महतो, ऑल इंडिया डाक विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन मधुबनी के हम प्रमंडलीय सचिव हैं। आज हम लोग बाबा साहब का 133वां जयंती के रूप में हम लोग प्रधान डाकघर मधुबनी में पूरे डाक परिवार के साथ इनका हर्षोल्लास के साथ हम लोग आज मनाए हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे परिसंघ के डॉक्टर विजय शंकर पासवान जो बिहार प्रदेश के सचिव हैं और मधुबनी के अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे अतिथि आए हुए थे आज इसमें, और बहुत ही धूमधाम से हम लोग आज बाबा साहब को जयंती को मनाने का काम किया हूँ। जो हमारे लिए सब कुछ अपना कुर्बान किए, मैं उसके लिए और हमारे डाक परिवार के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी इनके माने जो है सो चरणों में नमन करते हुए आज लोग एक पर्व की तरह हम लोग प्रधान डाकघर मधुबनी में इनका जयंती को मना रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? मुख्य रूप से हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग तो बाबा साहब का दिए हुए संविधान से आगे बढ़ गए हैं। हम लोग जो गांव में हैं, हमारे जो कुछ दबे कुचले, हमारे जो समाज है, हम लोग प्रण लिए हैं। हम लोग सभी कर्मचारीगण या सपना माने सोचे हैं कि इसको जो उठाने के लिए हम लोग जैसे भी होगा हम और मधुबनी डाक परिवार हैं, हम लोग एक कदम में कदम मिलकर हम लोग इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम जानकारी लेते हैं, हमारे में डॉक्टर विजय शंकर जी सर हैं जो परिसंघ मधुबनी के अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश महासचिव भी हैं। इस छोटे से सभागार में श्री महेश बाबू द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति डाक कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से यह कार्यक्रम किया जा रहा था। इसके माध्यम आज जयंती बाबा साहब की 133वीं जयंती है, और हम जयंती क्यों मनाते हैं, हम लोग इकट्ठा क्यों होते हैं? मूल रूप से बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान ने न केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बल्कि देश के संपूर्ण नागरिकों को जो अधिकार और कर्तव्यों का उसमें देश की रीढ़ उस देश की संविधान होती है, आत्मा होती है उसकी, और हमारा जो धर्म ग्रंथ है भारत का, वह लोकतंत्र में धर्म ग्रंथ हमारा भारतीय संविधान है, और हमारा सबसे बड़ा मंदिर वह संसद है, और इस मंदिर को भी बचाना है और इस धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को भी बचाना है, तभी हम लोगों का हक अधिकार बच पाएगा। हम लोग इस जयंती के अवसर पर यह संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हमारे जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उसे कैसे अक्षुण बनाए रखें और समाज में प्रेम भाईचारा का संदेश दें, और हम लोग एकता के सूत्र में बंधकर संविधान को इस लोकतंत्र की रक्षा करें, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। डाकघर के डाक बाबू हैं और ऑल इंडिया डाक विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन मधुबनी के कोषाध्यक्ष भी हैं श्री बैद्यनाथ पासवान जी हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आज के इस अवसर पर। मेरा इस संदर्भ में यही कहना है कि हमारे समाज के लोग बाबा साहब के विचारों पर चलकर ऊपर उठ जाते हैं और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि हम चले कहाँ थे। मैं चाहूँगा कि हम में से ऐसे जो भी हैं उनसे मेरा नम्र आग्रह होगा कि वो ऐसा न करें, सदैव याद रखें कि हम जहाँ से चले थे वहाँ से समाज को आगे ले जाना हमारा काम है, इस दिशा में वो प्रयास करें। और हम इस मामले में धनी हैं, व्यक्तिगत रूप से मधुबनी प्रमंडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हमारे प्रमंडल के सचिव श्री महेश महतो हैं, वो इस तरह के कार्यक्रम का जब भी आयोजन करते हैं तो जाति व्यवस्था से परे वो जितने भी हमारे संपर्क में हैं अधिकतम लोगों को आमंत्रित करते हैं ताकि बाबा साहब का जो संदेश है वो हर किसी के पास जन जन तक पहुँचे। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जन जन तक जिस तरह से जाने का यत्न कर रहे हैं वो पहुँचे, और हमारे समाज के लोग जो हैं इसे हमारे समाज को लेकर इनके हर तरह के व्यवस्था में ऊपर उठाने का प्रयत्न करें, और ये भूले नहीं कि हम कहाँ से चले थे कहाँ पहुँचे हैं।
और किस तरह से चले थे। बाबा साहब ने जो जो सपना देखा था, तभी हो सकता है जब हम संगठित और संघर्ष करते।